मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को, जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। तो आज है कान्हा जी का दिन और आज है फ्राइडे 19 अगस्त, तो आज है माखन और मिश्री का दिन। तो आज हम भी सोच रहे हैं कि आज मक्खन में सैंडविच बनाया जाए। तो बच्चे सो रहे हैं, एक अनुराग उठ गया है, उसको उठाती हूँ अभी। और रात को मम्मी की तबीयत ज़्यादा, अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, शुगर लेवल और बीपी बढ़ गया था, तो इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले गए, तो थोड़ा लेट आए थे अनमोल के पापा। तो वो थोड़ा सो रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तो मैं सोच रही हूँ उनको सैंडविच वगैरह बना के उन्हें सरप्राइज़ दिया जाए। वो हर छुट्टी के दिन मेरे को सरप्राइज़ देते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज हम देते हैं उन्हें सरप्राइज़। तो चलते हैं किचन में सैंडविच बनाने। आज सैंडविच बनाऊंगी मैं पनीर, खीरा, टमाटर और प्याज का। तो अनमोल के पापा को बहुत पसंद है वो। तो चलते हैं किचन में और मैं सोच रही पहले आज फ्राइडे तो पूजा भी करनी है। गाइस, मैंने तैयारी कर ली है। ये है खीरा, प्याज, टमाटर और ये है पनीर और ये है ब्राउन ब्रेड। आज बनाएंगे हम हेल्दी सैंडविच और यहाँ पर वाइट ब्रेड भी है, तो हम बनाएंगे सैंडविच हेल्दी। और थोड़े से बनाएंगे हम आलू के सैंडविच, क्योंकि रात तो देखिए रात की आलू की सब्ज़ी रखी है, तो हम सोच रहे हैं इसके भी कहते हम सैंडविच बना देते हैं। ये वंशन ने कल बनाए थे कुट्टू घाटे के पकोड़े और आलू की सब्ज़ी, तो उसने हमें दी थी, तो ये बच गई थी क्योंकि हमने तो बनाई थी भिंडी, तो उसने हमने फिर खाई नहीं, थोड़ी सी ही खाई थी, तो ये बच गई थी हमारी, तो हम इसका यूज़ कर लेंगे अब। और ये देखिए हमारा बटर, बटर में हम पहले ब्रेड को सेकेंगे, हल्का हल्का लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि बच्चों को खांसी हो रही है, तो हल्का हल्का ही मक्खन लगाएंगे। देखिए मैं दो दो एक तवे का और एक फ्रेंड पैन का यूज़ करें ताकि जल्दी हो जाए। ये देखिए हमारी ब्रेड सिक गई है। देखिए हमारे सैंडविच रेडी हो चुके हैं। ये है आलू के सैंडविच और ये देखिए हमारी बन रही है चाय। ये गाइस मैं नहा चुकी, मैंने नाश्ता भी बना दिया, सैंडविच बना दिए, अनमोल के पापा बना लिए, अनमोल के पापा ने कर दी है पूजा और बच्चे अनुराग बना लिया है, अनमोल भी नहा लिया, हम चारों नहा लिए, घर का सारा काम भी हो गया हमारा। और अब बज गए हैं 11:05 है और हमारा नाश्ता रेडी है और हम नाश्ता करेंगे और फिर खाना खाएंगे। आपको भी दिखाती हूँ। तो देखिए चाय हमारी सबकी रेडी है। ये देखिए आज मैंने अपना कप निकाला है, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, मेरा बर्थडे का कप है ये, इस पर मेरी फ़ोटो बन रही है। और ये देखिए अनमोल के पापा ने मेरे बर्थडे पे दिया था मुझे ये। और देखिए मम्मी भी आ गई है, मम्मी को भी नाश्ता कराएंगे। मम्मी तबीयत ठीक है? पेट में दर्द हो गया मम्मी के, अब तबीयत ठीक है। रात से दिखा बताया नहीं था डॉक्टर को? तो चलिए तो करते हैं नाश्ता हम। देखिए मन्नत जा रही है अपनी नानी के घर, ये देखिए कैसा हीरो लग रहा है हमारा मन्नत। ये देखिए चश्मा वश्मा लगा के, ये देखिए हीरो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये देखिए उसको उसको चेंज भी ना लेने दे रहे, आराम से दिखाओ, देखो ये देखिए कैसे हीरो लग रहा है, ये देखिए ये हीरो, इधर करो, इधर करो, हाँ ये देखो
लग रहा है ना, देखो मन्नत ही रहा बिल्कुल। मन्नत मन्नत ले बाबू। आइए जन्माष्टमी मनाने जा रही है नानी के घर। गाइस मैंने सारा सामान निकाल लिया है अनुराग को कान्हा जी बनाने का। ये देखिए सारा सामान है, मगर इसके लिए एक बांसुरी नहीं, बांसुरी टूट चुकी है इसकी, क्योंकि मैं हर साल बनाती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं मार्केट इसके लिए बांसुरी लेने। मैंने सोचा था रखी है, पर मैंने जब बॉक्स निकाला पलंग में से कल, तो उसमें बांसुरी नहीं थी। तो अब हम जा रहे हैं इसके लिए बांसुरी लेने। इस हमारे साथ में दोनों जने जा रहे हैं। अनुराग भी कह रहा मैं अपनी पसंद से लेकर आऊँगा। तो हम जा रहे हैं मार्केट सामान लेने इसके लिए। अगर मुझे पता होता तो मैं कल ही ले आती, ध्यान ही नहीं रहा, मैंने सोचा शायद है। तो चलिए चलते मार्केट, देखते हैं कैसे लेकर आते हैं हम लोग, फिर आपसे मुलाकात होगी मार्केट से आने के बाद। देखिए कड़कती धूप में हम चले मार्केट। पैर हटा बेटा, चलिए चल रहे हैं। इससे बड़ा लेना थोड़ा यार, इतने बड़े थे, कितने बड़ा साइज बड़ा ना, थोड़ा उससे बड़ा, कोई नहीं, एक दो दिन में आ जाओ, दिक्कत कोई नहीं है। ठीक है बेटा, तो फिर एक दो दिन में ही आए हम ना, शाम को आता है, बाकी लेट भी होते तो बेल बजा देना। नहीं ठीक है, 8 बजे तक आ जाएंगे ना, एक दो दिन में, आज क्या बार है। तो सुना हमें वैरायटी और वैसे 30 की है, 32 की है, 31 की है ना, बस हमें मिलने चाहिए ना, ऐसा ना हमारे पास अपन मिले। अनुराग का मेकअप हो रहा है कान्हा जी बनने के लिए, और इसको अभी श्री कृष्ण बनाया जाएगा। अब देखते हैं श्री कृष्ण का रूप, इसमें नटखट वाला आता है, नटखट वाला ही आता है, इसमें नहीं आता वैसा, एक होते हैं ना सिंपल साधारण सी वाला ही आता है, जो माखन चुराते हैं मालिश होने ऐसे। रेडी है सुनो, वीडियो भी अच्छी बनेगी, प्रॉपर व्यू लगा जाएगा ना, नीचे तक चली जाएगी। ये देखिए मेकअप चालू है अनुराग का, ये देखिए बड़ा ड्रामा करता है ये, ऐसा लग रहा है। ये देखिए अब अनुराग के फेस पाउडर लगाया जा रहा है, ये देखिए अब अनुराग के आई शेडो लग रहा है, आई मेकअप हो रहा है। ये देखिए आई मेकअप, ये आई मेकअप हो रहा है अनुराग का, ये देखिए। आंखों पर देख,
मुंह क्या? नो एक्सपीरियंस। अगर मैं मुंह नहीं खोलूंगा ना आग बंद हो जाएगी। ये देखिए इसका आई शेडो लग रहा है, ये मैं आपको क्लोजअप से दिखाता हूँ। ये देखिए अब आगे हो ना, अब लाइनर लग रहा है अनुराग के, बिल्कुल ही नींद में। आंख बंद कर लो। हाँ ये देखिए, ये देखिए ये लग रहा है इसके लाइनर। बहुत सुंदर। लक्ष्मी को एक्सपीरियंस है तैयार करने का, क्योंकि इसने डिप्लोमा किया हुआ है ब्यूटी पार्लर का, ब्यूटिशियन का डिप्लोमा किया हुआ है इसने। कोई भी नहीं कर सकता। कितना सुंदर लग रहा है। तो मम्मी क्या लग रहा है मेरे? ब्लशर। ब्लशर अनुराग के ब्लशर लग रहा है। देखिए लाल लाल लिपस्टिक, देखिए वो लिपस्टिक से इसके होठों को शाइनिंग दी जा रही है। ये देखिए, अरे गाइस बहुत अजीब लग रहा है। ये अनुराग कह रहा है मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर और। ये देखिए, अरे वाह कितना सुंदर। अनुराग को फाइनल लुक दिया जा रहा है। ये नटखट किशन जी है दोस्तों। ये देखिए नटखट, ये नटखट किशन जी है। गाना है देखिए। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये देखिए अनुराग इधर देख बेटा। ये देखिए, ये देखिए शीशे में देखने दे रही हूँ। ये देखिए शीशे में देखो बाबू। अरे शोनी इधर को देखो बाबू, इधर देखो, इधर छोटा सा बाबू। पता कैसी लग रही है सोना? पकड़ पकड़ पकड़। कश्मीरन होती है ना तो देखियो, कश्मीरन लग रही बाबू। कश्मीर सोना बाबू, कश्मीर देखो भाई देखो। मम्मी सोना, अरे सीधा कर सीधा कर सोने, पकड़ ले बेटा सर। सोने थोड़ा सा सहारा देखियो। बिस्टी बाबू, अरे सोना कितना सोना बच्चा, कितना प्यारा प्यारा। हाँ अनुराग इधर देखो, बहुत सुंदर भाई दोनों बच्चे, बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हो। इसके फेस की एक सीधा कन्हैया और एक टेढ़ा कन्हैया, नटखट कन्हैया, नटखट कन्हैया, एक सीधा कन्हैया और एक नटखट। तो गाइस देखिए आज मैं हुआ हूँ कृष्णा जी का तैयार। मेरे भाई नहीं हुए, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, समझाऊंगा उन्हें। ये खड़े हैं अब, अनमोल बड़ा हो गया ना इसलिए मना कर देता है। ये इसकी है जो उन्होंने पहन रखी है, मेरा आ रही है ड्रेस पूरी अनमोल की। वो कमेंट में बताइएगा मैं कैसा लग रहा हूँ। अभी हम जा रहे हैं पब्लिक रिएक्शन लेने और कुछ सामान लेने। पब्लिक का रिएक्शन लेंगे अब मैं तो बताइएगा अनुराग कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, जब भी पता चलेगा कि आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं। एक ओके ही भेज दीजिए, नाइस बोल दीजिएगा भाई, हमें पता चल जाएगा। मेरे जूते ओके, बस इतना ही बोलना था। तो क्या बताऊं।
सकते हो, अंग्रेज लग रहा हूँ पूरा गोरा चिट्टा। तो गाइज हम देखो, हम लाए मोमोस और समोसे और उसके साथ है सब्जी और है ये तीखी चटनी और मेयोनीज। तो बच्चे खाएंगे, बच्चे खाएंगे, मम्मी भी खाएंगी, सारे खाएंगे। तो हाय गाइस देखिए, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और बच्चे सो गए क्योंकि अनुराग भी थक गया और मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। तो एकदम से आँख खुली, मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर देते हैं, वीडियो का एंड अभी नहीं हुआ है। तो आज अनुराग कान्हा जी बना था, तो कृष्ण जी के रूप में वो कैसा लग रहा था आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि उस पर हमेशा जब भी मैं तैयार करती हूँ नटखट वाला ही आता है उस पर, तो कल भी उस पर वही आया। तो आप बताना आपको उसके अंदर कौन सा वाला रूप दिखाई दिया। तो वो सो चुका है, वो थक गया आज, वो मैं थक गया हूँ। तो खाना वाना हमने खा लिया है, उसमें हमने आज पनीर की भुजिया, रायता और रोटी बनाई थी। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज हम लोग गणपति बाबा भी देखने गए थे, तो वहाँ पर अभी माल आया नहीं है, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के बाद आना, तो हम आपको दिखा देंगे। तो हम अब 2-3 दिन के बाद जाएंगे, देखते हैं, संडे को ही जाते हैं हम, तो फिर पसंद कर कर आएंगे हम, वो करा कर आ जाएंगे हम। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट, और कमेंट में लिख के बताना अनुराग नाइस नटखट ऐसा कुछ लिख के बताना, तो हमें पता चल जाएगा आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई ब्लॉग में, एक नई टाइटल के साथ में। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए और अपने घर में सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।